नमस्कार दोस्तों, 3D Square चैनल में आप सभी का स्वागत है। माया के इस ट्यूटोरियल में हम बेवल टूल और उसके ऑप्शंस के बारे में जानेंगे और बेवल टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम एक स्टील हैंडल का मॉडल क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हमें बेवल टूल को अप्लाई करना है तो इसके लिए व्यूपोर्ट में हमें एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो व्यूपोर्ट में हमें एक पॉलीगॉन प्रिमिटिव को क्रिएट करना होगा। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक क्यूब को क्रिएट करेंगे। ऊपर दिए गए मेनू बार में से क्रिएट मेनू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तभी आप देख सकते हो दोस्तों कि आपको बहुत सारे पॉलीगॉन नज़र आ रहे हैं, उसमें से क्यूब के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो क्यूब का पॉलीगॉन है वो क्रिएट हो चुका है। साइमल्टेनियसली एक एक करके बेवल ऑप्शन अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके एज को सिलेक्ट करेंगे। एज को सिलेक्ट करने के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एज मोड में चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अभी हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो एज मोड में आ चुका है, क्योंकि मैं माउस का कर्सर जिस भी एज के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो वो वाली एज यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो यहाँ से हम इस एज को सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर हमें इस एज को बेवल करना है तो सबसे पहले हमें ऊपर दिए गए मेनू बार में से एडिट मेश के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा और जो बेवल ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है उसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अगर आप इसके सामने नज़र डालोगे तो कंट्रोल बी, ये इसका शॉर्टकट है। आप कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बी प्रेस करके बेवल ऑप्शन को अप्लाई कर सकते हो। इसके आगे आप देखोगे तो आपको बेवल का ऑप्शन बॉक्स नज़र आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करके इसके ऑप्शन में आप बदलाव कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसे मिनिमाइज़ कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट हम यूज़ कर लेते हैं, कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारा जो क्यूब है इसकी एज अभी बेवल हो चुकी है। ये जो हमें राइट साइड में एक विंडो नज़र आ रही है ये इसका ऑप्शन बॉक्स है। इससे आप इसका फ्रैक्शन, सेगमेंट और डेप्थ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। तो हम एक एक करके इन सब ऑप्शन को डिस्कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है वो है फ्रैक्शन। जिस एज को सिलेक्ट करके हमने बेवल किया था, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे वो बेवल हो चुका है। तो इससे आप इस बेवल का फ्रैक्शन कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि व्यूपोर्ट में किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। तो यहाँ से आप इसके फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, मतलब कि इसके साइज में चेंज कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो है सेगमेंट्स, मतलब कि आपको इस एरिया में अगर आपको एज लूप चाहिए होंगे आप इस सेगमेंट के ऑप्शन से एज लूप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से मैं सेगमेंट को इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा जो बेवल है एक कर्व शेप में क्रिएट हो रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ से सेगमेंट बढ़ा दी तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हमारा जो बेवल ऑप्शन है वो कर्व शेप में क्रिएट हो रहा है। तो थर्ड हमारा ऑप्शन है वो है डेप्थ। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि किस प्रकार से सेगमेंट इंक्रीज करने के बाद ये वाला कर्व शेप हमें नज़र आ रहा है। तो डेप्थ के ऑप्शन से हम कर्व के ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पे डेप्थ 1 यूनिट है। अगर मैं इसे 0 करता हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो कर्व था वो फ्लैट हो चुका है। अगर मैं इसे माइनस में लेके जा रहा हूँ तो आप देख सकते हो दोस्तों कि ये इसका जो इफ़ेक्ट है वो रिवर्स हो चुका है, मतलब कि ये जो बेवल है वो अंदर की तरफ से हो रहा है। तो डेप्थ ऑप्शन से इस प्रकार से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। अभी हम लास्ट ऑप्शन मतलब कि चैम्फर के बारे में जानेंगे। चैम्फर के बारे में जानने के लिए हम एक क्यूब को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में लेके जा रहा हूँ और इसे हाइड कर रहा हूँ। तो लेयर्स में जाएंगे, क्रिएट लेयर्स फ्रॉम सिलेक्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसे हम इस लेयर में हाइड कर लेंगे। पॉली मॉडलिंग टैब से एक क्यूब को फिर से क्रिएट कर रहा हूँ और चैम्फर ऑप्शन जाने के लिए यहाँ से हम फिर से एक बार इसे बेवल कर देंगे। इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और एज मोड में चले जाएंगे। सारे एजेस को सिलेक्ट करके कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और यहाँ से इसका फ्रैक्शन चेंज करके सेगमेंट बढ़ा देंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो नज़र आ रहा है। इसके जो एजेस है वो स्मूथ या कर्व नज़र आ रहे हैं। तो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पे चैम्फर ऑन है। जब भी मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो क्यूब था
उसके स्मूथ एंगल्स अभी शार्प हो चुके हैं। इसी प्रकार से चैम्फर वर्क करता है। अभी हम बेवल टूल का इस्तेमाल करके एक स्टील हैंडल को मॉडल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों पॉली मॉडलिंग टैब से हम एक क्यूब को क्रिएट कर लेंगे और इसके फेसेस को सबसे पहले हम डिलीट कर लेंगे। तो हम फेस मोड में चले जाएंगे, इसके तीन फेस को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट का बटन प्रेस करके हम इसे डिलीट कर देंगे। यहाँ से फिर से हम इसके ऑब्जेक्ट मोड में चले जाएंगे और इसे एक्स एक्सिस की तरफ से स्केल कर लेंगे। फिर से एक बार वर्टेक्स मोड में चले जाएंगे, ऊपर के जो सारे वर्टेक्स है उनको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ हम इसे मूव कर लेंगे। अभी हम फिर से इसके एज मोड में चले जाएंगे और इसके जो दो एजेस है इनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से शिफ्ट राइट क्लिक करके एक्सट्रूड एज के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके डायरेक्शन में इन्हें मूव कर लेंगे। तो फिर से हम पीछे के वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और आगे की तरफ थोड़ा मूव कर लेंगे। अभी हम ये जो हैंडल है इन्हें बेवेल करेंगे। तो सबसे पहले इसके ऊपर राइट क्लिक करके एज मोड में चले जाते हैं, दोनों एजेस को सिलेक्ट करके शिफ्ट राइट क्लिक और बेवेल एज के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो 0.5 रखा है हमने। सेगमेंट आप इससे बढ़ा सकते हो। अभी हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, तो इसके लिए शिफ्ट राइट क्लिक और एक्सट्रूड इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और इससे इसकी थिकनेस बढ़ा देंगे। इससे इसकी थिकनेस 0.1 कर लेंगे। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारा वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो हम एक एक करके इन सारे एजेस को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको वन बाय वन इन सब एज को सिलेक्ट करना है तो आपको कीबोर्ड के ऊपर शिफ्ट प्रेस करना होगा और एक एक एज को पकड़ के सिलेक्ट करना होगा। और अभी हम कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इससे हम इसका फ्रैक्शन और सेगमेंट्स को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा जो बेसिक शेप यहाँ पे है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बेवल टूल का इस्तेमाल करके किसी भी प्रकार का मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस ट्यूटोरियल में हमने बेवल टूल और उसके ऑप्शंस के बारे में जान लिया है और एक स्टील का हैंडल भी मॉडल किया। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इस चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुद का ख्याल रखिए और 3D सीखते रहिए।